नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का चिंतन है संस्कार। संतोष मिश्रा जी के यहाँ पहला लड़का हुआ तो पत्नी ने कहा, बच्चे को गुरुकुल में शिक्षा दिलवाते हैं। मैं सोच रही हूँ कि गुरुकुल में शिक्षा देकर उससे धर्मज्ञाता पंडित योगी बनाऊंगी। संतोष जी ने पत्नी से कहा, पांडित्य पूर्ण योगी बनना कर इससे भूखा मारना है क्या? मैं इसे बड़ा अवसर बनाऊंगा ताकि दुनिया में एक कामयाबी वाला इंसान बने। संतोष जी सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पर थे। पत्नी धार्मिक थी और अच्छा भी कि बेटा पांडित्य पूर्ण योगी बने, लेकिन संतोष जी नहीं माने। दूसरा लड़का हुआ, पत्नी ने जीत की। संतोष जी इस बारे में भी ना माने। तीसरा लड़का हुआ, पत्नी ने फिर जीत की, लेकिन संतोष जी एक ही रट लगाते रहे, कहाँ से खाएगा, कैसा गुजारा करेगा, और नहीं माने। चौथा लड़का हुआ, इस बार पत्नी की जिद के आगे संतोष जी हार गई और अंत उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा दिलवाने के लिए वही भेज ही दिया। अब धीरे धीरे समय का चक्र घुमा, अब वो दिन आ गया जब बच्चे अपने पैरों में मजबूती से खड़े हो गए। पहले तीन लड़कों ने मेहनत करके सरकारी नौकरियां हासिल कर ली। पहला डॉक्टर, दूसरा बैंक मैनेजर, तीसरा एक गवर्नमेंट कंपनी में जॉब करने लगा। एक दिन की बात है, संतोष सिंह ने पत्नी से बोला, अरे भाग्यवान, देखो मेरे तीन होनहार बेटे सरकारी पदों में हो गए ने, अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। तीनों की जिंदगी को अब सेट हो गई, कोई चिंता नहीं रहेगी अब इन तीनों को। लेकिन अफसोस, मेरा सबसे छोटा बेटा गुरुकुल का आचार्य बनकर घर घर यज्ञ करवा रहा है, प्रवचन कर रहा है। जितना वह 6 महीने में कमाया उतना मेरा एक बेटा 1 महीने में कमा लेगा। अरे भाग्यवान, तुमने अपनी मर्जी करवा कर बड़ी गलती की। तुम्हें भी आज इस पर पश्चाताप होता होगा, मुझे मालूम है, लेकिन तुम बोलते नहीं हो। पत्नी ने कहा, हम में से कोई एक गलत है और आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। चलो अब हम परीक्षा लेते हैं, चारों की कौन गलत है कौन सही पता चल जाएगा। दूसरे दिन शाम के वक्त पत्नी ने बाल बिखरा अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर और चेहरे पर 1-2 नाखून के निशान बाढ़ कर आंगन में बैठ गई और पति देव को अंदर कमरे में छिपा दिया। बड़ा बेटा आया, पूछा, मम्मी क्या हुआ? माँ ने जवाब दिया, तुम्हारा पापा ने मारा है। पहला बेटा बोला, बुड्ढा सठिया गया है क्या, कहाँ है, बुलाओ तो जरा। माँ ने कहा, नहीं है, बाहर गए। पहला बेटा आए तो मुझे बुला लेना, मैं कमरे में हूँ, मेरा खाना निकाल दो, मुझे भूख लगी है, ये कहकर कमरे से चला गया। दूसरा बेटा आया, पूछा तो माँ ने वही जवाब दिया। दूसरा बेटा बोला, क्या पागल गई है, इस बुढ़ापे में उनसे कहा ना, चुपचाप अपनी बच्ची खुशी गुजारा ले, आए तो मुझे बुला लेना और मैं खाना खाकर आया हूँ, सोना है मुझे, अगर आए तो मुझे अभी मत जगाना, सुबह खबर लेता हूँ उनकी। ये कर कर वो भी अपने कमरे में चला गया। तीसरा बेटा आया, पूछा तो
आग बबूला हो गया। इस बुढ़ापे ने अपनी औलाद के हाथ से जूते खाने वाला काम कर रहे इसने तो मर्यादा की सारी हद पार कर दी। यह कर वह भी अपने कमरे में चल गई। संतोषी अंदर बैठे बैठे सारी बातें सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें पैरों के नीचे से जमीन खिसकल गई हो और उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। किस तरह उन बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करके पाला पोसा, उनको बड़ा आदमी बनाया, जिसकी तमाम गतिविधियों को मैंने नजरअंदाज करके आगे बढ़ाया और ऐसा वर्ताव अब तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। इतने में चौथा बेटा घर में ओम होम होम करते हुए अंदर आया। माँ को इस हाल में देखा तो भागते हुए आया। पूछा तो माँ ने अब गंदे गंदे शब्दों में अपने पति को बुरा भला कहा। तो चौथे बेटे ने माँ का हाथ पकड़ कर समझाया कि माँ आप पिताजी की प्राण हो, वो आपके बिना अधूरे है। अगर पिताजी ने आपको कुछ हुआ दिया तो क्या हुआ। मैंने पिताजी को आज तक आपसे बदतमीजी से बात करते हुए नहीं देखा। वो आपसे हमेशा प्रेम से बातें करते थे। जिन्होंने इतनी सारी खुशियाँ दी आज नाराजगी से पेश आया तो क्या हुआ। हो सकता है आज उनको किसी बात को लेकर चिंता रही हो। हो ना हो माँ आपसे कहीं गलती जरूर हुई होगी। अरे माँ पिताजी आपका कितना ख्याल रखते हैं। याद है ना आपको 6-7 पहले जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो पिताजी ने कितने दिनों तक आपकी सेवा की थी। वही भोजन बनाते थे, घर का सारा काम करते थे, कपड़े धोते थे। तब आपने फोन करते मुझे सूचना दी थी कि मैं संसार के सबसे भाग्यशाली औरत हूँ। तुम्हारा पिताजी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इतना सुनकर ही बेटे को गले लगाकर फफक कर रोने लगी। संतोष जी आंखों में आंसू लिए सामने खड़े थे। अब बताए क्या कहेगे आप मेरे फैसले पर, पति ने संतोष जी ने पूछा। संतोष जी ने तुरंत अपने बेटे को गले लगा दिया। संतोष जी की धर्म पति ने कहा, यह शिक्षा इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं दी जाती। माँ बाप के जैसा पेश आना है, जैसे उनकी सेवा करनी है, यह तो गुरुकुल के सिखा सकते हैं, जहाँ वेद गीता रामायण जैसे ग्रंथ पढ़ाते जाते, संस्कार दिए जाते। अब संतोष जी को एहसास हुआ जिन बच्चों पर लाखों खर्च करके डिग्रियां दिलाई वे सब जाली निकले। असल में तो ज्ञानी तो वे सब बच्चे हैं जिन्होंने जमीन पर बैठकर पढ़ा है। मैं कितना बड़ा ना समझता, फिर दिल से एक आवाज निकली है, काश मैंने चारों बेटों को गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा दी होती। मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुष वेद। आज का दिन सफल हो, सफल हो, सफल हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।